पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बता दें कि बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा का वायरल वीडियो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व एमएलए ममता मीणा वीडियो में पैसे मांगती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि वीडियो के आधार पर उन पर रुपए देकर वोट खरीदने का आरोप भी लगा है। हालांकि आईबीसी 24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आइए आपको पहले सुनवाते हैं कि क्या है इस वायरल वीडियो में जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। बाजार लगे तो गजब हो गए धक्का पैसे पे। कितना चाहिए रुपए आज बता दो तुम। धिक्का बात नहीं तुम बुलाओ अब कहा माल कहीं का। कितने चाहिए रुपए धिक्का अभी अलग थूक के जाऊंगा पैसा पे। और वोट पर भी नहीं चाहिए वो मेरे पास मेरे को मर जाए चुल्लू भर पानी में डूब के। नहीं करी सर कितने रुपए चाहिए तो वीडियो देखा आपने जिसमें बीजेपी की पूर्व एमएलए का ये वीडियो है जो कि अब वायरल हो रहा है जिसमें वो पैसे मांगते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि एमएलए ममता मीणा का ये वीडियो है जो कि वायरल हुआ है जिसमें वो पैसे मांगते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो भी सुना आपने तो ये वीडियो इस टाइम सुर्खियों में बना हुआ है जिसमें और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर आपसे जानना चाहेंगे वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पे एमएलए जो हैं वो पैसे मांगते हुए दिखाई दे रही हैं लेकिन अब बीजेपी इसे अपना अंदरूनी मामला बता रही है। देखिए रोमाना बिल्कुल बात करें वीडियो जो है तकरीबन एक महीने पुराना है जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव चल रहे थे और पंचायत के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव खुद ममता मीणा लड़ी थी और चुनाव भी जीता पर लेकिन जनपद पंचायत जो चाचौड़ा के अंदर थे उसको अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी ममता मीणा के पास में थी और ऐसे में जो वीडियो है जिस व्यक्ति से ममता मीणा पैसे की मांग कर रही है ये जनपद का सदस्य था और इसको ममता मीणा यानी कि बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया था और 2.5 लाख रुपये इसके एवज में दिए गए थे। हालांकि जो अब तक बात सामने निकल कराई है ममता मीणा का कहना है कि उधारी के पैसे थे पर लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने निकल कर आया है जो व्यक्ति जनपद सदस्य था उसने पैसे तो लिए पर लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट दिया जिसके बाद में ममता मीणा इस पूरे वीडियो में आक्रोशित होती हुई नजर आ रही है। एक महीने पुराना यह वीडियो है। ममता मीणा इस व्यक्ति के घर पर पहुंची थी। यहां पर बताया जा रहा है कि इससे डबल पैसे की मांग की गई थी। जो पैसा दिया गया था 2.5 लाख उससे दुगने रुपए देने की मांग की गई थी और इस पूरे वीडियो में साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि किस तरीके से ममता मीणा खुद कह रही है कि उनके समर्थित व्यक्ति को वोट नहीं दिया था जिसकी वजह से उनके पैसे वापस किया जाए बल्कि डबल रकम को वापस किया जाए। लिहाजा इस पूरे मामले पर जो बीजेपी संगठन है वो ममता मीणा से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया है। बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई थी उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये दो व्यक्तियों के लेनदेन का मामला और ममता मीणा ने जो पैसे दिए थे वो उधार के पैसे दिए थे जिनको वो मांगने के लिए गई थी इसका बीजेपी संगठन से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि अब तक इस वीडियो को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है पर लेकिन एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में इस वीडियो को लेकर कांग्रेस जरूर बना सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय देखा भी गया है कि लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाती आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए जो बात रोमाना आपने कही बिल्कुल ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि जब चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के द्वारा पंचायत के सदस्यों और जो पार्षद है उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरीके के संकेत साफ नजर आते हैं कि इन चुनाव में जो अध्यक्ष के निर्वाचन था उसकी प्रक्रिया के लिए पैसे का लेन देन हुआ है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले पर शिकायत नहीं की गई है। देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लेती है पर लेकिन फिलहाल कम से कम ममता मीणा के साथ में बीजेपी की मुश्किलें इस पूरे वीडियो के माध्यम से बढ़ती हुई नजर आ। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी की कितनी मुश्किल बढ़ सकती है इस वीडियो के बाद। तो देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा और जो खरीद फरोख्त के आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है एक वीडियो कम से कम कांग्रेस के पास में रहेगा जो कांग्रेस जरूर इसका इस्तेमाल आने वाले समय में करेगी कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है वोट खरीदने के लिए। और इस पूरे वीडियो में अगर बातचीत को हम सुनेंगे तो उसमें पैसे के लेन देन की बात सुनाई देती है वोट के बदले नोट की बात सुनाई देती है। ये अपने आप में एक बड़ा कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी के नेता भले ही इस पूरे वीडियो से पल्ला झाड़े पर लेकिन बीजेपी के नेताओं को मालूम है कि ये वीडियो
बैठे बैठाए कांग्रेस के हाथ में एक मुद्दा इस वीडियो के माध्यम से लगाए जिसका इस्तेमाल कांग्रेस आने वाले समय में करेगी। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से न केवल ममता मीणा बल्कि बीजेपी की घेराबंदी की कोशिशें जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। रोमाना, अगर बात करें तो क्या कांग्रेस की तरफ से अभी इस वीडियो पे कोई फीडबैक या कोई रिएक्शन आया है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं से रिएक्शन लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, पर लेकिन बीजेपी के नेताओं से जरूर रिएक्शन लिया गया था। उन्होंने इस पूरे वीडियो को दो व्यक्तियों के आपसी लेनदेन का मामला बताया है। ममता मीणा की ओर से जो सफाई इस पूरे वीडियो के बाद में निकल कर आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो जनपद के सदस्य थे उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उनसे पैसे उधार लिए थे, लिहाजा अपने उधारी के पैसे उन्होंने मांगे हैं और उनके कहने पर जो वोट नहीं दिया गया था उसकी वजह से वो आक्रोशित इस पूरे वीडियो में नजर आ रही हैं। पर लेकिन जिस तरीके से पैसे के लेनदेन का जिक्र इस पूरे वीडियो में आए, यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बताया जा सकता है कि मध्यप्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव के अंदर किस तरीके से खरीद फरोख्त की गई थी। और कांग्रेस जो आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर लगाती रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पूरे मामले पर जरूर विचार विमर्श कर रही होगी। कांग्रेस के नेताओं ने जो आरोप लगाए थे खरीद फरोख्त के, उसको लेकर कांग्रेस अभी भी कायम है, पर लेकिन लीगल तौर पर कांग्रेस इस वीडियो को लेकर क्या एक्शन लेगी यह देखने वाली बात होगी। रोमाना, बिल्कुल, तो देखना होगा कि अब इस पे कांग्रेस जो है वो क्या रिएक्शन लेती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एमएलए जो है उनका ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसपे लगातार हमारे संवाददाता जो है सुधीर वो भी बता रहे थे कि ये वीडियो एक महीने पुराना बताया जा रहा है और इसे बीजेपी अपना अंदरूनी मामला जो है वो बता रही है। वहीं अभी कांग्रेस कुछ भी कहने से इस पूरे मामले पे बच रही है, तो वहीं बीजेपी की जो पूर्व एमएलए का वीडियो वायरल हुआ है, ये हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब बन जाए।